लोकसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग से पहले मध्य प्रदेश की सियासत में इनकम टैक्स के छापे से बवाल मचा हुआ है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के ओएसडी प्रवीण कक्कड़ के सहयोगी अश्विन शर्मा के ठिकानों पर लगातार तीसरे दिन भी छापेमारी कार्रवाई जारी है। इनकम टैक्स की छापेमारी सीआरपीएफ की तैनाती के बीच में की गई। अब तक इनकम टैक्स ने करोड़ों के कैश बरामद किए हैं, साथ ही अवैध संपत्ति का पता चला है। छापेमारी के दौरान अश्विन शर्मा के घर से बाघ की खाल भी बरामद हुई है। बता दें इसके बाद में इनकम टैक्स ने वन विभाग को भी इसकी सूचना दे दी है। इनकम टैक्स विभाग ने रविवार को कमलनाथ के ओएसडी प्रवीण कक्कर के घर पर छापा मारा था और ये कार्रवाई अभी भी जारी है। भोपाल में छापेमारी के दौरान प्रवीण कक्कड़ अश्विनी शर्मा के घर से बाघ और दूसरे दुर्लभ जानवरों की खाल बरामद की गई और जिस तरह से ये खालें बरामद की गई हैं, उसके बाद में इनकम टैक्स विभाग ने इसकी जानकारी वन विभाग की टीम को भी दे दी है। वन विभाग की टीम अश्विनी शर्मा के घर भी पहुंची है। वन विभाग की टीम इस बात की जांच कर रही है कि बाघ और हिरण के अलावा किन जानवरों की खाल अश्विन शर्मा के घर पर मौजूद है। आपको बता दें वन विभाग के कानून के मुताबिक अश्विन शर्मा के खिलाफ केस दर्ज करने की अब तैयारी की जा रही है, जांच की जा रही है, यानी कि कहा जा सकता है अश्विन शर्मा की मुश्किलें और बढ़ती हुई नजर आती हैं। तो भोपाल में तीसरे दिन भी अश्विन शर्मा के घर पर आयकर विभाग की कार्रवाई लगातार देखने को मिल रही है और लगातार जो वहां पर बरामदगी की गई है जांच जारी है। और मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी नीरज श्रीवास्तव। मध्य प्रदेश में अश्विन शर्मा और प्रतीक जोशी के ठिकानों पर शुरू हुई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की कार्रवाई 55 घंटे बाद भी जारी है। तस्वीरों में हम आपको वो जगह दिखाते हैं जहां अश्विन शर्मा और प्रतीक जोशी के घर और दफ्तर मौजूद हैं। ये भोपाल का वो बड़ा सा मॉल और रेजिडेंशियल पार्क है जहाँ की इनके फ्लैट्स मौजूद हैं और हम आपको तस्वीरों में दिखाते हैं कि अभी भी सीआरपीएफ की सिक्योरिटी इस प्रमाइसिस पर मौजूद है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक दिन पहले ही यानी सोमवार के दिन अश्विन जोशी के यहाँ से 10 करोड़ से ज़्यादा की रकम बरामद की थी। इसके बाद ये माना जा रहा था कि इस कार्रवाई को ख़त्म होने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, लेकिन जो दस्तावेज़ यहाँ से बरामद किए गए हैं उनकी पड़ताल और जांच होने के बाद ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम यहाँ से जाएगी। सीआरपीएफ के वाहन यहाँ आपको तस्वीरों में नज़र आ रहे हैं, साथ ही साथ हैवी फोर्स को डिप्लॉय करने के लिए लगातार सीआरपीएफ के वाहनों का काफिला हम देख पा रहे हैं। ये जो ग्रे कलर के व्हीकल्स हैं ये सीआरपीएफ के वाहन हैं और एक के बाद एक इन्हें यहाँ लाकर खड़ा कर लिया गया है और ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि मंगलवार के दिन इस पूरे के पूरे रेड का फाइनल डे हो सकता है, आखिरी दिन हो सकता है, क्योंकि ये कहा गया है कि अब जांच पड़ताल भी पूरी हो गई है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को केवल दस्तावेज संबंधी पूछताछ करनी है। उससे जैसे ही टीम संतुष्ट होगी इस छापे के खत्म होने की घोषणा कर दी जाएगी।